ऑब्जेक्टिव शीट में क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार देखो. प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन इन द अपवर्ड डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. एक प्रोजेक्टाइल को 60 डिग्री पे हमने प्रोजेक्ट किया, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और वेलोसिटी कितनी है? 147. तो वी की वैल्यू 147. ठीक हो गया. अब वो कह रहा है द टाइम आफ्टर विच इट्स इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल इज 45 डिग्री. अब जैसे जैसे ये प्रोजेक्टाइल ऊपर जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर का एंगल पहले 60 है, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगा? 0. तो ये तो मानते हो, जैसे जैसे वेलोसिटी वेक्टर ऊपर जाएगा एंगल कम 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 होता जाएगा. तो कह रहे कभी ना कभी एंगल 60 से 45 हो जाएगा. जब एंगल 45 होगा तो वो टाइम क्या होगा ये बताओ. ठीक. कहने का मतलब ये आपके पास, सपोज मैं नया डायग्राम बना देता हूं. ठीक. देखो तो इसमें जैसे ये एक प्रोजेक्टाइल है और इसको 147 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया, ये लो ऐसे जाएगा. कितने एंगल पर किया था? 60 डिग्री. किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी वेक्टर का एंगल कितना हो गया? 45. आपको टाइम बताना है ऐसा कब हुआ. ठीक. क्वेश्चन समझ में आ गया. तो एक काम करते हैं, जब ये प्रोजेक्टाइल चला था तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी? 147 कॉस ऑफ 60. वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी? 147 साइन ऑफ 60. ठीक है. और जब ये प्रोजेक्टाइल यहां पे आया एट अ टाइम ऑफ टी, तो मुझे पता नहीं इसकी वेलोसिटी कितनी है, क्योंकि पहले चला था 147 है, फिर कम 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 होती जाएगी. तो यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? वी. अब v वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे, क्योंकि एंगल 45 है तो v इंटू कॉस ऑफ 45, और एक कंपोनेंट ऊपर कितना? v इंटू साइन ऑफ 45. क्या स्टेप क्लियर है सबको यहां तक? अब एक चीज बताओ, प्रोजेक्टाइल के अंदर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती. तो यहां पर अगर हॉरिजॉन्टल इतनी है और यहां पर इतनी है, इन दोनों को इक्वेट कर लो, तो 147 कॉस ऑफ 60 इज इक्वल टू v इंटू कॉस ऑफ 45. तो 147 cos 60 कितना है? 1/2. v into ये कितना है? 1/√2. रूट टू और 2 कैंसल, तो v की वैल्यू सॉल्व करके आएगी 147/√2. क्या स्टेप क्लियर है? तो मैंने v निकाल दिया. पहला रूल क्लियर है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को इक्वेट करके हमने v निकाल लिया. पर हमें तो टाइम निकालना है. तो एक काम करो, अगर v आ गया, v की वैल्यू कितनी है? 147/√2 into sin of 45. ना v की वैल्यू पुट कर ली, तो 147/√2 साइन 45 क्या है? 1/√2. तो क्या आएगा? 147/2. तो वर्टिकल वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ गई? 147/2. कोई डाउट इसमें? तो अब इसमें मेरे को ये बात समझ में आती है कि जब ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से चली थी तो ये क्या थी? अगर मैं वाई एक्सिस की बात करता हूँ, अलॉन्ग वाई एक्सिस ये जो वेलोसिटी है क्या मानी जाएगी? इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी. और ये क्या मानी जाएगी? फाइनल वेलोसिटी. y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी, y एक्सिस में फाइनल वेलोसिटी. तो y एक्सिस में आप अप्लाई करो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो y एक्सिस में फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 147/2. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 147 इंटू साइन ऑफ 60. एक्सेलरेशन कितनी है? -10. ऊपर जाते हो -9.8 या 10. यहाँ से टाइम कैन बी कैलकुलेटेड आंसर. तो पॉइंट्स को समझ में आ रहा है यहाँ तक कि आपने कुछ नहीं करना है इसमें. y एक्सिस में वेलोसिटीज को निकाल लिया, पहले आपने क्या किया? कंपोनेंट्स ले लिए यहाँ पर और यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इक्वेट कर दिया. हॉरिजॉन्टल को जब इक्वेट किया तो v की वैल्यू आ गई. उस v को यहाँ पुट करके वर्टिकल कंपोनेंट आ गया. अब वर्टिकल पता है फाइनल, वर्टिकल पता है इनिशियल. तो इन दो वेक्टर्स के ऊपर क्या लगा दिया? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. वहाँ से टाइम की वैल्यू को निकाल दिया. क्या ये स्टेप सबको क्लियर है? मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे इसमें अप्लाई करना है? कोई डाउट इसमें? ठीक है. तो इस मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक. कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आएगा. फिर एक और क्वेश्चन है, नंबर ऑफ बुलेट्स आर फायर्ड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन. ये लो, मैं खड़ा हो गया और गोलियां चला रहा हूं मैं हर डायरेक्शन में, गोल गोल गोल, पूरी डायरेक्शन घुमाती मैंने. आगे, विद सेम इनिशियल वेलोसिटी यू, द मैक्सिमम एरिया ऑफ ग्राउंड कवर्ड बाय द बुलेट इज. मैं चाहता हूं कि दूर दूर तक बुलेट गिरे और एरिया भर दूंगा बुलेट से, पूरे का पूरा दूर दूर तक करना है मुझे. मुझे यहां नहीं बुलेट गिरनी,
मेरा ये देखा जाएगा कि आप आखिरी बुलेट कहाँ गिरी, और गोल 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 घुमाऊंगा तो बड़ा सर्कल बनाना चाहता हूँ मैं गोलियों का। तो फिर मैं अपनी गन कितने एंगल पर रखूँ, 45, ताकि गोली सबसे दूर जाके गिरे। तो यानी कि यहाँ पर रेंज में चाहता हूँ मैक्सिमम, तो सोचो ये आर मैक्स है तो पूरा हर डायरेक्शन में चलाऊंगा तो सर्कल बनेगा। तो सर्कल में रेंज क्या रखूंगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम रेंज क्या होती है, यू स्क्वायर बाई जी, और एरिया क्या होगा सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, और आर की जगह यू स्क्वायर बाई जी का होल स्क्वायर। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो इतना एरिया कवर हो जाएगा इन बुलेट से, ठीक है यहाँ तक। जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोन इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, रीच इज अ मैक्सिमम हाइट एच, ठीक है, एक स्टोन को थीटा पे फेंका, एच हाइट अटेन करता है। टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द स्टोन इज, पर ये बड़ी कमाल की बात है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2u sin थीटा बाई जी, पर ये तो इस फॉर्म में टाइम ऑफ फ्लाइट दे रहा है। मेरे पास करने के दो ऑप्शन है, पहला हिट एंड ट्रायल, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यही होता है ना। तो एक काम करते हैं, पहले ए ऑप्शन लेते हैं, बी लेते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखते हैं, 2 × मैक्सिमम हाइट क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये लो। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसल, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी स्क्वायर, तो 2 × यू साइन थीटा आ गया ना आंसर, टाइम ऑफ फ्लाइट डन। करने की जरूरत क्या है, हिट एंड ट्रायल, आपको हाइट तो पता ही है ना, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला ऑप्शन में पुट करके देख लो, तो जिसका भी ऑप्शन है 2u sin थीटा बाई जी, ये मेरा फाइनल आंसर है। क्या ये पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट इसमें, कैसे चेक करना है, क्लियर है? ऐसे नहीं करो, ये लंबा तरीका, ऐसे नहीं करो, हिट एंड ट्रायल ज़्यादा ठीक है इसमें। कोई डाउट इसमें, ठीक है सर? क्या कह रहे हो सर, आपको वॉइस क्या आ रही है? एक सेकेंड, अब देखो सर स्क्रीन ब्लर है, बाकियों को भी आ रही है क्या सेम ऐसे ही कि क्लियर है? नहीं सर, डिस्कनेक्ट हो गए, दोबारा कनेक्ट करो। हाँ अब बोलो, क्या कह रहे थे? पैराबोला हाफ टाइम फ्लाइट कैसे आएगा? नहीं ऐसा क्यों करूँगा, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन है, ग्राउंड टू ग्राउंड जब हिट करती है तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2u sin थीटा बाई जी, ये तो सिंपल है, इसमें आधा कैसे आएगा? नहीं मेरा एक क्वेश्चन नहीं है, पैराबोला ही है, तो जो जो ये प्रोजेक्शन होती है, स्टोन एंगल थीटा पे फेंका जा रहा है हॉरिजॉन्टल से, ये देखो ये थीटा से फेंका जा रहा है, तो स्टोन तो ऐसे ही जाएगा ना, तो इसका तो टाइम ऑफ फ्लाइट फिक्स है 2u sin थीटा बाई जी, हाइट भी फिक्स है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, तो पैराबोला ही है ये भी, ठीक है यहाँ तक। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ स्टोन इज टू हिट एट अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ डी अवे, एक पत्थर को फेंकने और वो कितनी दूरी पे होगा जहां पर वो ऑब्जेक्ट है, डी हॉरिजॉन्टल डी, और कितनी हाइट पे होगा, हाइट एच। जैसे एक पत्थर को मैंने फेंका और मैंने प्रोजेक्टर को हिट करना है सामने, तो ये प्रोजेक्टर मैक्सिमम हाइट थोड़ी ना, पत्थर को तो और भी ऊपर जाना था पर रास्ते में प्रोजेक्टर आ गया, तो प्रोजेक्टर से हॉरिजॉन्टल दूरी कितनी है मेरी, डी, और हाइट कितनी है यहाँ पर, एच। तो अगर मैं ये पूछूं कि इस पॉइंट के जहां पर इसको हिट करना है कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स कॉमा वाई, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, डी, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, एच, तो डी कॉमा एच। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, क्लियर है? अच्छा ये बताओ, जब आपको कोई क्वेश्चन मैक्सिमम हाइट पे ना गिवन हो, है ना, गिवन हो तो खुशी होती है, पता ही है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, तो कहीं बीच में फंसा दिया उसने एक्स कॉमा वाई पे, तो पहली चीज माइंड में क्या आती है, मैं क्या लगाऊं, एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में आपका एक फॉर्मूला है, क्या, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बनाने का पर्पज ये था कि अगर मैक्सिमम हाइट पे क्वेश्चन नहीं है, कहीं भी एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट पे है और आप रिलेशन निकालना चाहते हो एक्स और वाई का, तो आप सिंपली क्या लगा देंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है यहां तक। या फिर आप अगर एक्चुअल मेथड इसको कैलकुलेट करें, तो एक्चुअल भी सिखाता हूं, शॉर्टकट सिखाता हूं, दो चीज सिखाता हूं।
मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है कि u वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया था, ये u की वेलोसिटी क्या है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, u निकालना है। तो इसमें इस क्वेश्चन को करने के ना दो तरीके हैं। पहला तरीका देखो, पहला तरीका है कि मान लो टी टाइम में ही ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँचता है, कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ डी अलोंग एक्स एक्सिस एंड एच अलोंग वाई एक्सिस। तो अगर मैं डी के इक्वेशन लगाऊँ तो डी कौन से एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में, और वेलोसिटी के दो कॉम्पोनेंट है, यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा। तो एक्स एक्स एक्सिस में डिस्टेंस डी है और वेलोसिटी क्योंकि कांस्टेंट है, यू कैन अप्लाई एस इक्वल टू वी टी, तो डी इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टाइम टी। तो यहाँ से टाइम आ गया, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ कितनी देर में आया, टी टाइम में आया। क्या ये पहला स्टेप क्लियर है? तो एक्स एक्सिस में डी डिस्टेंस है, यू कैन अप्लाई एस इक्वल टू वी टी। फिर वाई एक्सिस की बात करें, वाई एक्सिस में हाइट क्या है, एच, डिस्टेंस क्या है, एच, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है वाई की, यू साइन थीटा। तो y में अप्लाई करो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस की जगह h, इनिशियल वेलोसिटी की जगह u साइन थीटा, टाइम की जगह t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। एक काम करो, इस टाइम को यहाँ से उठा के यहाँ पुट करो और आपके पास जो इक्वेशन आएगी उसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन आएगी, साइन अपॉन कॉस टेन होता है, ये इक्वेशन आएगी। क्या ये इक्वेशन देखी लगती है? हाँ, यही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। तो ये पहले वाले स्टेप्स करने का कोई फायदा नहीं है, आप सिंपली इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखें। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में ये क्या टर्म होती है, वाई, तो यहाँ पर वाई की जगह क्या पुट करें, एच। ये क्या टर्म है, एक्स, एक्स की जगह डी। बस यहाँ से यू निकालना है, यू वाली टर्म एक तरफ, बाकी टर्म एक तरफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर। आपको पहले वाले स्टेप्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का काम क्या है, जब दो कोऑर्डिनेट्स के बनो, एक एक्स में के बनो और एक वाई में के बनो, तो एक्स और वाई के अंदर जो कोऑर्डिनेट्स गिवन हो उनके बीच में कोई रिलेशन अगर निकालना हो तो सिंपली सॉल्व ना करें, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लगाएं, वाई और एक्स की वैल्यू को पुट करें और जो निकालना हो वो निकालते हैं। तो मेथड्स को समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये एक इक्वेशन है, ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन है। फिर से इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज गिवन बाई वाई इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन है। और ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ए और बी कॉन्स्टेंट्स हैं। तो पहली चीज़ इसमें निकालनी है कि दी मैक्सिमम हाइट अटेन बाई दी पार्टिकल। आप कहेंगे मैक्सिमम हाइट, वो तो मुझे पता है, क्या पता है, वी स्क्वायर साइंस स्क्वायर थीटा बाई टू जी। ना ना, वो यहाँ लगेगा नहीं, क्योंकि पैराबोला की इक्वेशन ये है और ये उसने इक्वेशन ही चेंज कर दी, पैराबोला और तरीके का बनेगा, वो पता नहीं कैसा बनेगा। तो आप इसमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो आप इसमें मैक्सिमम हाइट निकालना चाहते हैं एंड साथ में निकालना चाहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। आप कुछ ना करें, आप ये इक्वेशन लिखते हैं, ये इक्वेशन वाई और एक्स के बीच में रिलेशन है, आप इसे कंपेयर करें विद इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन याद करें, लिख दें, इन्हें कंपेयर करें, कंपेयर करके एक्स का कोफिशेंट ए, एक्स का कोफिशेंट टैन थीटा, इन्हें कंपेयर करें, टैन थीटा क्या आ गया, ए, थीटा क्या आ गया, टैन इनवर्स ए, एक आंसर आ गया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। लास्ट टाइम भी ऐसा क्वेश्चन किया था हमने कंपैरिजन वाला। अब क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट। अब क्योंकि वाई की वैल्यू मुझे गिवन है पर वाई मैक्सिमम नहीं है, क्योंकि वाई तो हर इंस्टेंट पर क्या हो रहा है, अपनी वैल्यू को कभी कम कर रहा है, कभी ज़्यादा कर रहा है, ऐसे ही है ना, वाई अपनी वैल्यू को कम या ज़्यादा करता है, पर मुझे वाई क्या चाहिए, मैक्सिमम। अब ये क्वेश्चन हम कर नहीं पाएंगे आज या अगली बार कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए जब आपको वाई कोई भी इंस्टेंटेनियस गिवन हो, कोई भी चेंजिंग वाई गिवन हो और आपको वाई की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, उसके लिए मैथ का एक और कॉन्सेप्ट लगेगा 15 मिनट का। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसके बाद कोई मैथ यूज़ नहीं होगा, बस खत्म है, जिसका टॉपिक का नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये टॉपिक प्लस टू का टॉपिक है मैथ्स के, कैलकुलस का, पर हमें ये थोड़ा सा करवाना पड़ता है क्योंकि फिजिक्स में कभी कभी ऐसा है, वो 5 मिनट है, वो 2 मिनट का ही काम, 2 मिनट में बस, मतलब अगर काम चलाऊ काम करना है तो 2 मिनट में ऐसा कर दो, बस हो जाता है, लेकिन अगर समझना है तो आधा घंटा लगेगा।
तो हम समझ के ही करेंगे, ऐसे करेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे। तो 15-20 मिनट आधा घंटा लगा के पहले मैं आपको नेक्स्ट टाइम मैक्सिमम मिनिमम का मतलब समझाऊंगा, ऐसा होता क्यों है, फिर ये क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, तो आपको फिर समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो अभी हम इसको नहीं कर रहे हैं, इसको छोड़ रहे हैं, हम इसको करते हैं। इस क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल आर आर एंड एच। तो कह रहा है रेंज क्या है? आर। हाइट क्या है? एच। इफ अ कॉन्स्टेंट हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन जी बाय फोर इज इंपार्टेड टू द प्रोजेक्टाइल ड्यू टू विंड। हवा चल पड़ी? आज तक फिजिक्स में हवा नहीं चली, आज पहली बार चली है, ठीक। और हवा चल रही है और वो भी एक्सलरेट कर रही है, ये भी नहीं कि आराम से, एकदम तेज होती जा रही है, विद एक्सीलरेशन जी बाय फोर। आज तक हॉरिजॉन्टल में कभी एक्सीलरेशन जी की फॉर्म में होती नहीं थी, वो पहली बार कह रहा है कि अब ये हवा इधर चल रही है विद एक्सीलरेशन जी बाय फोर, तो ये पार्टिकल इधर मूव कर रहा है विद एक्सीलरेशन ऑफ जी बाय फोर। जबकि हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी हमेशा क्या होती थी? कॉन्स्टेंट। इस बार क्या है? एक्सीलरेशन। तो हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सिस में वी कैन नॉट अप्लाई एस इज इक्वल टू वी टी, नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सीलरेशन है तो वेलोसिटी विल चेंज। तो पहला मेरा क्वेश्चन का आंसर दो, इसमें हमने एक्स एक्सिस के अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस की, वाई एक्सिस में कोई चीज चेंज की हमने नहीं की, तो एच और आर में से कौन सा फैक्टर चेंज होगा? आर चेंज होगा, एच तो नहीं चेंज होगा। अगर हवा ऐसे चलती ऊपर, चलती नहीं है, सोचो ऐसे चल रही है ऊपर, फिर आपकी बॉल और ऊपर जाती है हवा, तो एच चेंज होता। यहां पर हवा ऐसे चल रही है तो एच में तो कोई चेंज नहीं है, क्या चीज चेंज होगी इसमें? आर। तो आपकी बॉल अगर आर पे गिर रही थी ना, अब थोड़ी दूर जाके गिरेगी, आर डैश पे गिरेगी। ये बात समझ में आती है? तो कौन सा फैक्टर इसमें, कौन सा एक्सिस पे चेंजिंग आएगी? एक्स पे आएगी, वाई पे कोई चेंज नहीं आएगा। इसीलिए तो वो पूछ रहा है मैक्सिमम हाइट का क्या होगा। भाई मैक्सिमम हाइट तो पहले भी एच थी, अब भी एच ही रहेगी, हवा ऊपर नीचे नहीं चल रही, हवा एक्स में चल रही है, तो वाई कॉम्प, एच इज वाई कॉम्पोनेंट, तो वाई कॉम्पोनेंट में कोई चेंज नहीं है, तो आंसर एच ही रहेगा, एच और एच। वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेंज और नई रेंज बताओ, नया एच बताओ, एच में तो कोई चेंज है ही नहीं, तो आंसर एच, इन दोनों में से कोई ना कोई आंसर आएगा। अब मुझे क्या निकालना है? नई रेंज निकालनी है। क्या होगी? निकालने नई रेंज, समझ में आ रहा है? तो बॉल दूर जाके गिरेगी तो रेंज निकालते हैं। देखो रेंज निकालने के लिए एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कॉन्स्टेंट या चेंजिंग है, तो एक्सीलरेशन क्या होगी? जी बाय फोर। तो एक्स एक्सिस में यू कैन अप्लाई एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एक्स एक्सिस में आर की जगह रेंज क्या हो जाएगी? आर डैश। वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में क्या है? यू कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, और एक्सीलरेशन एक्स में क्या है? जी बाय फोर इंटू टी का स्क्वायर। मुझे इस चीज का आंसर दें कि अगर हवा ना चलती, अगर विंड ना चलती, तो यहां से यहां ऑब्जेक्ट कितनी देर में आता? टी इज इक्वल टू क्या? टू यू साइन थीटा बाय जी। अगर हवा चलती है तो क्या टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज होगा या नहीं होगा? होगा, नहीं होगा? कितने लोग बोलते हैं नहीं होगा, कितने बोलते हैं होगा, और अगर नहीं होगा तो फिर क्यों नहीं होगा? हाँ, क्योंकि टाइम पीरियड में क्या किसका काम है? यू साइन थीटा, और यू साइन थीटा कौन सा कंपोनेंट है? वाई का, और वाई एक्सिस में कोई चेंज है ही नहीं। यू कॉस, अगर टाइम पीरियड में यू कॉस थीटा आता, फिर आप कहते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यूज हो रही है, हाँ टाइम पीरियड विल चेंज, पर यहां पर तो ऐसा है ही नहीं। यहां पर क्या हो रहा है? यू साइन थीटा की, देखो टाइम पीरियड यू साइन थीटा की फॉर्म में है, और यू साइन थीटा वाई एक्सिस की वेलोसिटी है, ये देखो यू साइन थीटा, तो इसमें तो कोई चेंज है ही नहीं, तो टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसका एक और एक्सप्लेनेशन मेरे पास है। आप टाइम पीरियड की डेरिवेशन जानते हो, हमने की थी, टाइम पीरियड को हमने प्रूव किया था ना। मैंने जब टाइम पीरियड की वैल्यू निकाली थी तो मैंने एक्सिस वाई एक्सिस लिया था, टाइम पीरियड की डेरिवेशन में वाई एक्सिस लिया था तो वाई एक्सिस में कोई फैक्टर चेंज ही नहीं है, तो टाइम पीरियड में कोई चेंज आएगा ही नहीं। तो पॉइंट समझ में आ रहा है? सब कुछ एक्स में चेंज होगा, रेंज जरूर चेंज होगी, पर टाइम पीरियड में कोई इसलिए चेंज नहीं है क्योंकि टाइम पीरियड में यू साइन थीटा आ रहा है, यू साइन थीटा इज द वर्टिकल वेलोसिटी एंड नॉट द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इसलिए समय जो पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट का रहेगा दैट विल रिमेन सेम। ये स्टेप क्लियर है? तो इसके अंदर यू कॉस थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टू यू साइन थीटा बाई जी, और टाइम पीरियड की जगह टू यू साइन थीटा बाई जी का स्क्वायर, इसे ओपन करेंगे फोर यू साइन स्क्वायर थीटा जी स्क्वायर, ये देखो इसे ओपन करके टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन टू थीटा, याद है टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन टू थीटा, और इसको सॉल्व करेंगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी आएगा, ये देखो सॉल्व करके ही आएगा। ये क्या चीज़ है? हाइट रेंज, और ये क्या चीज़ है?
हाइट, तो नई रेंज क्या आ गई, आर प्लस एच। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? यू यू तो चेंज ही नहीं हुआ ना, ऐसा है, ये इनिशियल फेंका हमने, हवा चले या हवा ना चले हमने यू से फेंक दिया। इनिशियली यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा, यू कॉस थीटा इनिशियल वेलोसिटी है। अगर विंड नहीं चलती तो गिरते 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 भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल रिमेन सेम, पर अगर हवा चली तो इनिशियल तो यू कॉस थीटा है, फिर इंक्रीज 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 इंक्रीज। यू नहीं देखते ना, एक्स या वाई कॉम्पोनेंट देखते हैं, यू पे तो काम ही नहीं होता ना, यू पे तो काम ही नहीं होता, हम यू के कॉम्पोनेंट्स पे काम करते हैं, वन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इकट्ठा यू पे कभी काम नहीं होता। तो आप एक्स को अलग देखेंगे, वाई को अलग देखेंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? आइडिया समझ में आ रहा है कैसे करना है? अच्छा, ये तो बहुत बार किया, पत्थर यहाँ से आ गिरना है विंडो वाला क्वेश्चन हमने काफ़ी बार किया। क्या ये पॉइंट क्लियर है? इसमें नेक्स्ट जो है, जो नेक्स्ट शीट है ना, वो एक ऑप्शनल शीट है, मैंने इसके सॉल्यूशन भी दिए हैं आपको, मैंने इसके सॉल्यूशन दिए हैं आपको। अगर आपको मेडिकल वाले तो रहने दें इस शीट को, नॉट फॉर मेडिकल लिख लें, नहीं है, नॉन मेडिकल वाले ऑप्शनल है, आप करना चाहते हैं आप कर लें, आप नहीं करना चाहते तो आपका लॉस कोई नहीं है, बस ये है कि एक ब्रेन की एक्सरसाइज है इसमें। आप कहें कि ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं कह नहीं सकता ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, पर हाँ कुछ ब्रेन की एक्सरसाइज तो होगी, लेवल अलग है इसका। और कोई डाउट है तो क्लास के बाद मुझसे पूछेंगे आप, और क्लास में इसको डिस्कस नहीं कर रहे हम, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा काम, ये इंक्लाइन प्लेन। अब शुरुआत होने जा रही है फोर्स की, है ये प्रोजेक्टाइल ही, अभी ये प्रोजेक्टाइल और फोर्स का वो बॉर्डर है जहां प्रोजेक्टाइल खत्म हो रहा है और फोर्स स्टार्ट हो रहा है, ये कॉमन टॉपिक है, ठीक है। तो अगर आप कहें इंपॉर्टेंट है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ठीक है मैं इसको याद करके जाऊंगा, मेरे पेपर में मैं टॉप करूंगा, एक नंबर का भी नहीं आएगा। ये कैलकुलस वाला हाल है, नहीं आता तो मोशन नहीं आएगा, आएगा कुछ नहीं कैलकुलस में से, ये वैसे ही है। इंक्लाइन प्लेन का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो फोर्स नहीं आएगी, तो उसको इंक्लाइन प्लेन का डालने की जरूरत क्या है, क्योंकि तुम रोज यूज करेंगे। तो डिस्कस करते हैं इंक्लाइन प्लेन में है क्या, करें स्टार्ट। तो इंक्लाइन प्लेन के अंदर सबसे पहले एक पॉइंट को समझें,